गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 3 इंग्लिश लेसन 4। ए डॉग लव्स केक, यानी कि कुत्ते को केक बहुत पसंद है, ठीक है ना। आज जो स्टोरी है इसी पे है, यानी कि कुत्ते को केक बहुत पसंद है। मिस्टर रॉबर्ट इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर रॉबर्ट जो है एक बूढ़े आदमी हैं। ही लिव्स अलोंग इन हिज कॉटेज, वह अपने कुटिया में अकेले रहते हैं, ठीक है ना। हिज बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो हिज डॉग, उनका जो बेस्ट फ्रेंड है कौन है, ब्रूनो है, वह एक कुत्ता है। मिस्टर रॉबर्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मिस्टर रॉबर्ट जो है सुबह में जल्दी उठते हैं। हैज अ वॉश एंड गो आउट फॉर ए वॉक, और जो सुबह में जल्दी उठकर जो भी साफ सफाई का कार्य है करके फिर वो सुबह में बाहर टहलने जाते हैं। ही टेक्स हिज डॉग विथ हिम, वो अपने कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। ही गोज टू द कॉफी शॉप, ड्रिंक्स कॉफी एंड ईट द स्लाइस ऑफ केक, वह कॉफी शॉप पे जाते हैं और क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और स्लाइस ऑफ केक यानी कि केक भी खाते हैं। द केक इज फॉर 2 रुपीज, जो केक था 2 रुपीज का होता है। ब्रूनो सीट्स अंडर हिज चेयर, ब्रूनो भी उनकी कुर्सी के नीचे बैठता है। ही गिव्स हिम ए लिटिल केक, वह उसको थोड़ा केक देते हैं। मिस्टर रॉबर्ट बाय ए न्यूज पेपर, ब्रूनो होल्ड्स द पेपर सॉफ्टली एंड कैरी इट होम। मिस्टर रॉबर्ट जो है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए खरीदते हैं और ब्रूनो जो है उसको खूब सॉफ्टली यानी मुलायम मतलब आराम से पकड़कर अपने मुंह में और घर लाता है। ब्रूनो फील्स हैप्पी इन डूइंग हिज मास्टर वर्क, ब्रूनो जो है अपने मास्टर का यानी मालिक का कार्य करके बहुत खुशी का मतलब उसको बहुत खुश होता है, यानी खुशी उसको महसूस होती है अपने मालिक का कार्य करने में। लास्ट मंथ मिस्टर रॉबर्ट फेल इल, लास्ट महीने में मिस्टर रॉबर्ट जो है बीमार पड़ गए। ही वॉज अनेबल टू गेट अप, ही सफरेड फ्रॉम वायरल फीवर, ठीक है ना, वह उठ भी नहीं सकते थे, उनको क्या हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। ही कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज न्यूज पेपर, वह बाहर भी नहीं जा सकते थे न्यूज़ पेपर खरीदने के लिए। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उन्होंने एक प्लान सोचा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, अगले वीडियो में मैं आपको एक और वीडियो जब बनाऊँगी ये आपको कंप्लीट हो जाएगा।